एकदम ब्लाउज आपके ये गोल्डन सीक्वेंस आपको ब्राइड ग्रूम मंडप पूरा हेलो एवरीवन स्वागत है आपके अपने चैनल स्टाइलिंग विद नेहा में मैं हूं आप सबके गाइस बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे कि आप मीशो से साड़ी तो दिखा रहे हैं लेकिन हमें रेडीमेड ब्लाउजेस भी दिखाइए जिससे कि हम फेस्टिव पे आराम से अपनी साड़ी को स्टाइल कर सके और आजकल तो यार स्टिचिंग इतनी ज्यादा एक्सपेंसिव हो गई ना एक नॉर्मल ब्लाउज भी अगर आप स्टिच करवाने जाओ ना तो टेलर फोर टू फाइव चार्ज कर ही लेता है और अगर उसे थोड़ा सा भी डिजाइन या स्टाइलिश बना देना तो सोच लीजिए गाइज टेलर से, से रुपए तो लेने ही वाला है मैं आप लोगों के लिए ले, ले जस्ट अभी मैंने बाय किए कुछ ब्लाउजेस थोड़े टाइम से है मेरे पास तो सारी ब्लाउजेस का आज मैं आप को रिव्यू देने वाली हूँ क्वालिटी बहुत अच्छी एंड जिसकी भी क्वालिटी मुझे नहीं पसंद आई होगी मैं वो आपको बताने वाली हूँ अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट करें और पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जरूर से प्रेस करना जिससे कि मैं जब भी वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप कोई भी अफोर्डेबल फाइंड मिस नहीं करेंगे सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो हॉल का सबसे पहला जो मैं ब्लाउज आप लोगों के साथ शेयर करूँ ना गाइज ये मेरा फेवरेट ब्लाउज है एंड इसके लिए मैंने पे किए थे एट हंड्रेड रुपीज देखिए फ्रंट का आप पूरा डिजाइन देख सकते हैं कुछ इस तरीके से डिजाइनर लुक में आपको ये मिल जाएगा फुल स्लीव्स एंड पूरी ही जो स्लीव्स है फ्रंट एंड बैक सब पे आपको ये बढ़िया सा सीक्वेंस जरी का काम मिल जाएगा और यही सेम ब्लाउज मुझे अमेजोन पे दिखा था एंड वो वहाँ बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव था मैंने ये मीशो से ले लिया एंड बहुत अमेजिंग क्वालिटी में मुझे मिला बैक पे आपको जो है ना हुक जो डिटेलिंग मिलेगी वो ना आपको बैक पे मिलेगी साथ में ना आपको डोरी और ये लटकन मिल जाएंगे देखिए इसमें आपको ऐसे रामा ग्रीन कलर का कंट्रास्ट इफेक्ट मिलता है सो अगर आपके पास रामा ग्रीन कलर की साड़ी ना तो आप इस ब्लाउज को लेकर भी ऐसा कॉन्ट्रास्ट ब्लाउज वाला डाल सकते हैं इफेक्ट अपनी साड़ी पे बहुत अच्छा लगने वाला है रामाग्रीन साड़ी के साथ और पर्पल के साथ तो आप पहन ही सकते हैं कॉन्ट्रास्ट करके आजकल कुछ ज्यादा ही साड़ियां ट्रेंड कर रही है तो आप कॉन्ट्रास्ट करके ब्लाउज के साथ पहन सकते हैं इसके कप्स मैंने रिमूव कर दिए हैं देखिए जिनके भी कप्स मैंने रिमूव कर दिए मैं आपको बता देती हूँ देखिये यहाँ पे मैंने ना कप्स को रिमूव कर दिया क्योंकि इनके कप्स की क्वालिटी मुझे इतनी अच्छी नहीं लग रही थी परफेक्ट फिट नहीं लग रहा था बहुत अजीब सा वियर सा लग रहा था सो so, मैंने इन्हें रिमूव कर दिया है आप भी ऐसा चाहे तो रिमूव कर सकते हैं क्वालिटी बहुत अच्छी है टॉप नॉच क्वालिटी का है मतलब मुझे इसमें बिल्कुल भी एक परसेंट भी इशू नहीं आया जो मैं आपको बताऊं कि भाई ये ब्लाउज आप मत बाय करिए क्योंकि बहुत अमेजिंग क्वालिटी फैब्रिक की क्वालिटी बहुत अच्छी है लाइनिंग की क्वालिटी अच्छी है बस मुझे कप्स पसंद नहीं आ रहे थे जो मैंने रिमूव कर दिया बाकी ओवरऑल तो ब्लाउज बहुत ज्यादा अच्छा है ब्लाउज के जो भी प्राइजेस होंगे वो आपको स्क्रीन पे दिख जाएंगे अभी मेरा फोन पीजी है तो मैं आपको बता नहीं पाऊंगी एंड ये वाला ब्लाउज है हमारा नेक्स्ट ये कुछ इस तरीके से आपको ब्रॉकेट फैब्रिक में मिल जाएगा एंड बहुत ज्यादा इसकी जो क्वालिटी ना बहुत अच्छी है फैब्रिक की क्वालिटी में मतलब बिल्कुल भी आपको ऐसा हार्डनेस या जरी वाले में क्या होता है ऐसा जरी जरी सा फील होता है लेकिन इसमें बहुत सॉफ्टनेस से फील हो गया ऐसा वेलवेटी टच फैब्रिक आपको मिल जाएगा फ्रंट का लुक कुछ ऐसा आता है एंड इसमें भी आपको देखिए कप्स लगे हुए मिल जाएंगे इसके कप्स मैंने रिमूव नहीं किए हैं बिकॉज इसके कप्स मुझे ऐसा वियर्ड वाली फिटिंग नहीं दे रहे थे सो मैंने इन्हें रिमूव नहीं किया है बहुत अच्छा लगता है ये ब्लाउज फ्रंट से तो आप देख ही सकते हैं कितना अच्छा नेक लाइन है लेकिन बैक से तो ये बहुत ज्यादा सेक्सी है देखिए कुछ इस तरीके से आपको पूरा ही बैक पे डोरी डोली वाला पैटर्न मिल जाएगा और ये लटकन मिल जाते हैं इसमें फिटिंग का बहुत मतलब फिटिंग बहुत अच्छे से बैठ जाती है क्योंकि ये जो डोरिया है आप इसे अपने अकॉर्डिंग टाइट कर सकते हैं तो बिल्कुल भी ऐसा फिट वाला इशू नहीं आता कि लूज है या टाइट है मैंने इसमें थर्टी सिक्स साइज पिक किया था मैं सारे ही ब्लाउजेज में थर्टी सिक्स साइज पिक करती हूँ अगर वो साइज अवेलेबल नहीं होता तो

लाइन आप देख सकते हैं पूरा है ना सभ्य साछी का जो ड्यूब ब्लाउज होता है ना एग्जैक्ट वैसा ही आपको नेकलाइन मिलने वाला है एंड ये वाला जो प्रिंसेस कट और ये बेल्ट वाला डिजाइन होता है ना ये पर्सनली मुझे बहुत ज्यादा पसंद है ब्लाउजेज में मैं अपने ब्लाउजेस भी ऐसे ही स्टिच करवाती हूँ और ये तो बिल्कुल वैसा ही था तो मैंने इसे बाय कर लिया इसमें आपको बहुत सारे कलर ऑप्शन मिल जाएंगे इसके लिए थ्री टू 350 समथिंग पे किया है एक्चुअल प्राइस जो भी होगा वो आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा फ्रंट का मैं डिजाइन आपको दिखा चुकी हूँ बैक पे आपको डिटेलिंग मिल जाएगी एंड साथ में आपको डोरी और ये टेसल्स मिल जाते हैं देखिए बैग का जो नेक है वो बहुत ज्यादा डीप नहीं है डिसेंट है फ्रंट में आपको थोड़ा सा ऐसा फील हो सकता है अगर आप थोड़े से हैवी बस्टेड है अदरवाइज बहुत अच्छा लगने वाला ब्लाउज आप डेफिनेटली इसे बाय कर सो मूविंग टू द नेक्स्ट ब्लाउज ऑफ दिस हॉल एंड इसके लिए मैंने केवल दो सौ पे किए थे गाइज क्वालिटी बहुत अच्छी है पूरा ही वेलवेट फैब्रिक पे आपको ये ब्लाउज मिलने वाला है और इसमें मैंने ना वाइन कलर पे किया है आप देख सकते हैं पूरे ब्लाउज पे आपको ये सीक्वेंस जरी की ऐसी बूटिया बूटिया बनी मिल जाएंगी फ्रंट कुछ ऐसा मिल जाएगा नेक पैटर्न में एंड बैक कुछ ऐसा मिलने वाला है मतलब यहाँ पे आपको ऐसे डोरी टाई करने को मिलेगी और नीचे आपको हुक लगाने को मिल जाएंगे देखिए मैं आपको पूरा ऐसे अटैच करके दिखा देती हूँ कि पूरा जो नेक है बैक का वो कैसा दिखने वाला है मरून कलर भी अवेलेबल है ये देखिए ये पीछे का जो बैक है ना वो कुछ ऐसा लगने वाला है पहनने के बाद बड़ा ही सुंदर लगता है नेक में मिल जाएगा स्लीवलेस के साथ साथ इसमें स्लीव्स भी अटैच आते हैं जो भी कंफर्टेबल है स्लीवलेस पहनने में वो ऐसे पहनेंगे तो और स्टाइलिश लगेगा बट इसमें स्लीव्स का फैब्रिक भी अटैच आया था बट मैंने उसे अभी अटैच नहीं करवाया अगर आप कंफर्टेबल फील नहीं करते तो आप स्लीव्स अटैच करवा ना मूविंग टू द नेक्स्ट ब्लाउज ये है हमारा ब्लैक पूरा ही आपको नेट के फैब्रिक पे ये ब्लाउज मिल जाएगा इसमें आपको पूरा एम्ब्रॉयड्री के साथ साथ सीक्वेंस भी मिल जाते हैं जो ब्लैक कलर में मिलते हैं आप देख सकते कितना ज्यादा शाइन करें थ्री फोर्थ स्लीव मिल जाती है बोट नेक मिल जाएगा एंड यहाँ पे आपको ऊपर जितनी भी डिजाइन है ना वहाँ पे आपको ये लाइनिंग नहीं मिलती अदरवाइज आपको पूरे ही ब्लाउज पे लाइनिंग मिल जाएगी इसके कप्स भी मैं रिमूव कर चुकी हूँ और हुक डिटेलिंग जो है वो हमें मिलने वाली है बैक पे बैक का डिजाइन कुछ ऐसा लगने वाला है बैक पे ही हमें हुक डिटेलिंग मिल जाएगी डोरी और लटकन मिल जाते हैं बड़ा ही सुंदर लगता है ब्लाउज इसमें भी आपको कलर ऑप्शन मिल जाएंगे मैंने इसे ब्लैक कलर में पिक किया था बिकॉज मुझे है ना ब्लैक कलर में ऐसा कुछ सीक्वेंस डिटेल में चाहिए था क्वालिटी बहुत अच्छी लग रही है इसमें भी कलर ऑप्शन अवेलेबल है अगर आपको ये ब्लाउज पसंद आ रहा है तो डेफिनेटली आप इसे बाय कर सकते हैं नेट के फैब्रिक पे आपको सीक्वेंस थ्रेड एम्ब्रॉयडरी मिल जाएगी एंड लाइनिंग की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है मुझे कप्स पसंद नहीं आते इस वजह से मैंने इसमें रिमूव कर दिया अब मैं आप लोगों के लिए एक डेली वेयर में पहनने के लिए ब्लाउज शेयर कर रही हूँ ये आई थिंक है ना थोड़ा सा ऐसा गोल्डन और येल्लो टच में आपको मिल जाएगा लाइक फैब्रिक है एंड ये बहुत ज्यादा स्ट्रेची फैब्रिक में आपको मिल जाएगा नेक कुछ ऐसा मिल जाता है फ्रंट एंड बैक सेम मिलने वाला है और स्लीव्स कुछ इतनी मिल जाती है पूरे ही जो ब्लाउज है ना आपको ऐसा वाला डिटेल मिलने वाले ये ऊपर से नहीं है फैब्रिक के साथ ही आपको ये बूटी बूटी वाला पैटर्न मिल जाएगा फ्रंट एंड बैक सब पे आपको ये डिटेल मिलेगी ये विदाउट कप या पैड लगे हुए हैं ये सिंपल आपको ऐसा ही ब्लाउज मिलेगा डेली बेसिस के लिए आप इन्हें पहन सकते हैं एंड बहुत सारे लोग कंफर्टेबल नहीं होते कप्स वाले ब्लाउजेस में वो भी ये वाले ब्लाउजेस पहन सकते हैं इसमें आपको बहुत सारे साइजेस मिल जाएंगे आई थिंक थर्ट ट्वेंटी एट से लेकर फोर्टी समथिंग और इसके लिए क्वालिटी uh, है उस अगर आपको ऐसे वाले ना, तो आप डेली बेसिस ब्लाउज को ही पिक कर सकते हैं नेक्स्ट ब्लाउज जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ये अगेन मेरा फेवरेट ब्लाउज है बहुत ज्यादा अच्छा लगता है ये भी अगेन ऐसा सभ्य साची पैटर्न में मिल जाएगा प्रिंसेस कट है और ये नीचे बेल्ट बना हुआ मिल जाएगा पूरे ही ब्लाउज पे आपको इस तरीके से पूरा डिटेल मल्टी कलर में मिलने वाला है थोड़ा सा मरून टच ज्यादा मिल जाएगा और इसी में आपको सिमिलर जैसा इसमें क्या थोड़ा सा मरून टच और गोल्डन कंबाइन है एक ऐसा ही आपको ब्लैक में मिल जाएगा आई थिंक ग्रीन में भी ऐसा अवेलेबल है सिमिलर इसी का मैंने ब्लैक भी लिया था जो अभी फिलहाल मेरी सिस्टर के पास है दोनों ही क्वालिटी बहुत अमेजिंग है एंड ये जो आपको ऊपर से प्रिंट दिख रही है ना गोल्डन गोल्डन सी कैसे ये नहीं निकलती मैं इसे वॉश कर चुकी हूँ लेकिन बिल्कुल भी नहीं निकली हाँ अगर आप ब्रश वगैरह लगाएंगे तो हो सकता है थोड़ा बहुत चेंजेस दिखे लेकिन फिलहाल मुझे तो कोई भी चेंजेस नहीं नजर आया मैं इसे वॉश कर चुकी हूँ मैंने ब्रश वगैरह नहीं लगाया था माइल्ड वॉश किया था ये देखिए फ्रंट का लो कुछ ऐसा है थ्री फोर स्लीव मिल जाएगी और बैक पे आपको ये होक डिटेलिंग मिलने वाली है साथ में डोरी और लटकन मिल जाती है डिटेल बहुत अच्छी लगती है और ये वाला डिजाइन तो पर्सनली मेरा फेवरेट है अगर आपको भी ऐसे वाले ब्लाउजेस पहनना पसंद है तो आप इन्हें बाय कर सकते हैं फैब्रिक की क्वालिटी बहुत अच्छी है लाइनिंग की क्वालिटी बहुत अच्छी है और इसके कप्स मैंने रिमूव नहीं किए किएकॉज इसके कप्स भी अच्छे फिट में आ रहे थे वियर्ड नहीं लग रहे थे दैट्स वा मैंने इन्हें रिमूव नहीं किया इसी का ब्लैक और ग्रीन भी बहुत अच्छे है अगर आपको वो कलर चाहिए तो वो भी मूविंग टू द नेक्स्ट ब्लाउज ऑफ दिस हॉल एंड इस वाले ब्लाउज को आप लोगों ने मुझे बहुत सारी वीडियो में स्टाइल करते हुए देखा होगा बिकॉज मुझे ये ब्लाउज पर्सनली बहुत अच्छा है पहली तो इसकी फिटिंग बहुत अच्छी आई थी थर्टी साइज मैंने लिया था एंड एक्जैक्टली थर्टी साइज मुझे बहुत अच्छे से फिट हो गया था मुझे बिल्कुल भी इसे ऑल्टर नहीं करवाना पड़ा ना ही स्लीव पे ना ही आ, बैक वाले कहीं पे भी कुछ भी मुझे नहीं था। हुए हैं और इसके जो स्लीव्स है ना वो थोड़ी से डिफरेंट मिलती है ऐसे पफी स्लीव जो होती है ना वैसा मिल जाएगा और साथ में यहाँ पे ऐसे लटकन जैसा मिल जाएगा जब भी ये ब्लाउज में पहनती हूँ ना थोड़ा सा बेंगोली टच आ जाता है मेरे स्टाइलिंग में इस ब्लाउज के वजह से आप देख सकते हैं कुछ ऐसा ही पफ स्लीव के साथ आपको यहाँ पे भी ऐसे लटकन मिल जाएगी फ्रंट लुक ऐसा है बैक का कुछ ऐसा मिल जाएगा बहुत अच्छी क्वालिटी है क्वालिटी बहुत अच्छी है एंड पूरे ही ब्लाउज पे आप देख सकते हैं ग्रीन कलर के थ्रेड एम्ब्रॉयडरी के साथ साथ सीक्वेंस लगे हुए हैं जिससे कि ना ये शाइन भी बहुत अच्छे करते हैं और यहाँ देख सकते हैं आप फैब्रिक क्वालिटी अच्छी है लाइनिंग क्वालिटी अच्छी है एंड कप्स भी अभी तक वैसे ही अटैच है कॉज मुझे इनकी क्वालिटी अच्छी लग रही थी और इनका वियर्ड फिट भी नहीं आ रहा था सो so मैंने इनके कप्स नहीं निकाले इसमें आपको कलर ऑप्शन मिल जाएंगे आप दूसरे कलर्स भी ट्राई कर सकते हैं एंड मैं इस वाले ब्लाउज को हाईली रिकमेंड करूंगी गाइज थ्री ट्वेंटी रुपीज में इतनी अमेजिंग क्वालिटी का ब्लाउज मिल रहा है अगर आप ऑफलाइन भी स्टिच करवाओगे तो इतना तो बिल्कुल भी स्टिच नहीं होने। so, मैंने आप के साथ एक वाइन कलर ब्लाउज वेलवेट में शेयर किया जिसपे आपको गोल्डन जरी वर्क मिलेगा अब मैं आप लोगों के साथ सिल्वर जरी वर्क वाला ब्लाउज शेयर करी जिसे मैंने पर्पल कलर में पिक किया था एंड आप इसका लुक देख सकते हैं फ्रंट में ही आपको हुक डिटेलिंग मिल जाएगी कप्स अटैच है इसमें भी और पूरे ही ब्लाउज पे आपको वर्क मिला है बड़ा ही सुंदर सा इसपे आपको व्हाइट मतलब सिल्वर जरी वर्क मिलेगा सिल्वर जरी स्टोन मिलेंगे एंड सिल्वर ही आपको सीक्वेंस मिल जाएंगे तो पूरा ही सीक्वेंस वर्क के साथ आपको ये ब्लाउज मिल जाता है स्लीव पे भी आपको भर भर के वर्क मिलने वाला है एंड थ्री फोर स्लीव मिल जाएगी बैक भी मैं आपको दिखा देती हूँ देखिए बैक कुछ ऐसा मिलने वाला है इसका जो बैक का नेक है वो बहुत ज्यादा डीप नहीं है डिसेंट ही है एंड फ्रंट का भी जो नेक लाइन है बहुत मीडियम ही है बहुत ज्यादा डीप नहीं है इसमें भी आपको कलर ऑप्शन मिल जाएंगे देखिए इस ब्लाउज का फैब्रिक भी बहुत अच्छा है लाइनिंग जो यूज की गई है वो भी अच्छी क्वालिटी की है इसके जो कप्स हैं वो थोड़े से अभी क्या हुआ है दब गए हैं क्योंकि मैंने सारे ब्लाउजेज एक के ऊपर एक करके रखे हुए थे तो एक साइड का थोड़ा सा ऐसा हो गया बाकी क्वालिटी बहुत अच्छी है अगर आपको ये ब्लाउज पसंद आ रहा है तो आप इसे डेफिनेटली बाय कर सकते थ्री हंड्रेड रुपीज में टॉप नॉच क्वालिटी है इस ब्लाउज की अगेन एक सिंपल सा ब्लाउज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ जिसे मैंने नेवी ब्लू कलर में लिया है एंड इसका जो फैब्रिक है ना आप देख सकते हैं थोड़ा सा शाइनी शाइनी है जिस वजह से अभी कैमरे पे थोड़ा सा अलग सा इफेक्ट आ रहा है एंड uh, जो बैक का नेक लाइन है ना वो आपको कुछ ऐसा मिलेगा थोड़ा सा डीप है फ्रंट का थोड़ा मीडियम है एंड सिंपल स्क्वायर नेक लाइन के साथ आपको ये ब्लाउज मिल जाता है इसमें कप्स अटैच हैं ये देखिए कप्स अटैच है साथ में आपको स्लीव्स का फैब्रिक भी अटैच मिल जाता है अगर आप स्लीवलेस में कंफर्टेबल नहीं है कप्स में स्लीव्स अटैच करवा सकते हैं बट अभी तक मैंने इसे अटैच नहीं करवाया एंड इवन शायद मैंने इसकी फिटिंग भी नहीं करवाई है इतने सारे ब्लाउज है ना कि मैं बहुत सारों की फिटिंग अभी करवाना ही भूल गई हूँ मुझे वापस से इन्हें चेक करके फिटिंग वगैरह करवानी पड़ेगी देखिए इस तरीके से आपको प्रिंसेस कट में ये ब्लाउज मिल जाएगा अगर आपको ऐसे वाले ब्लाउजेज पहनना पसंद है तो आप ले सकते हैं वन ट्वेंटी या वन थर्टी का था इसमें आपको कॉम्बोज में मिल जाएंगे मैं उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी आप वहां से मूविंग टू द नेक्स्ट ब्लाउज ऑफ दिस हॉल ये मैंने रेड कलर में पिक किया है एकदम ब्लड रेड होता है ना जो वो मिल जाएगा और पूरे ही ब्लाउज पे ये गोल्डन सीक्वेंस मिलने वाले हैं नेक लाइन आप देख सकते हैं बैक में आपको हुक डिटेलिंग मिल जाएगी और डोरी लटकन मिल जाएंगे थोड़ा सा बैक आपको डीप मिल जाएगा और फ्रंट ऐसा मिल जाएगा इसमें आपको कप्स अटैच मिलने वाले हैं एंड साथ में ही ये स्लीव्स के लिए फैब्रिक भी मिल जाता है सो अगर आप कंफर्टेबल फील नहीं करते स्लीवलेस पहनने में तो आप इसमें स्लीव्स अटैच करवा सकते हैं बट अगर आप ऐसे पहन सकते हैं तो बहुत अच्छा लगने वाला है इवन आप किसी सिंपल रेड कलर का अगर आपके पास स्कर्ट है ना तो उसे एज अ लहंगा भी स्टाइल कर सकते हैं इस ब्लाउज के साथ क्वालिटी बहुत अच्छी है एंड थर्टी सिक्स साइज मैंने इसमें पिक किया था इसमें आपको और भी कलर ऑप्शन मिल जाएंगे फिटिंग वाइज मुझे परफेक्टली फिट गया था इसके लिए मैंने पे किए थे आई थिंक टू एटी और थ्री हंड्रेड रुपीज सबके एक्चुअल प्राइसेस जो भी होंगे ना वो आपको स्क्रीन पर दिख जाएंगे क्योंकि एक्जेक्टली exactly अभी मुझे किसी का भी प्राइस याद नहीं है क्वालिटी बहुत अच्छी है आप डेफिनेटली इसे अगर आप कोई फुल स्लीव्स में ब्लाउज सर्च कर रहे हैं तो ये वाला ब्लाउज आप डेफिनेटली बाय कर सकते हैं देखिए आपको बोट नेक में मिल जाएगा ब्लाउज मैंने व्हाइट कलर में पिक किया है जॉर्जेट फैब्रिक के ऊपर आपको पूरा ही थ्रेड एम्ब्रॉयडरी और साथ में सीक्वेंस में मिल जाते हैं अभी आई थिंक इतने ज्यादा शाइन थोड़ा सा आप देख सकते हैं शाइन करें ना ये सीक्वेंस है थ्रेड एम्ब्रॉयडरी के साथ साथ आपको सीक्वेंस भी लगे हुए मिलेंगे जो अच्छे शाइन करते हैं और ये देखिए फुल इतनी कुछ आपको स्लीव मिल जाएगी स्लीव पे आपको थ्रेड एम्ब्रॉयडरी वर्क मिलेगा और सीक्वेंस भी लगे हुए हैं फ्रंट का लुक बड़ा ही सुंदर आता है दोनों स्लीव एंड ये बैक है बैक पे आपको हुक डिटेलिंग मिलने वाली है इसमें भी अगेन कप्स लगे हुए हैं क्वालिटी बहुत अच्छी है इस ब्लाउज की इसके लिए आई थिंक मैंने फोर हंड्रेड रुपीज पे किए थे इसमें भी आपको बहुत सारे कलर ऑप्शन मिल जाएंगे मैंने व्हाइट कलर पिक कर लिया था अगर आप चाहें तो दूसरे कलर भी ट्राई कर सकते पहनने के बाद तो बड़ा ही सुंदर लगता है प्रिंसेस कट में आपको पूरा ही ब्लाउज मिल जाएगा और साथ में क्या जॉर्जेट फैब्रिक के ऊपर आपको इतना सुंदर सा पूरा ही थ्रेड एम्ब्रॉयडरी के साथ साथ सीक्वेंस भी लगे हुए मिलते हैं जो बहुत अच्छे से शाइन कर रहे होते हैं अगर आपको ये ब्लाउज पसंद आया तो आप डेफिनेटली इसे भी बाइ करते अब जो मैं ब्लाउज शेयर कर रही हूँ ना उसका पहले आप बैक डिजाइन देखिए कितना ज्यादा सुंदर लग रहा है इसमें आपको ब्राइड ग्रूम मंडप पूरा ही बनाओ मिल जाएगा बड़ा ही सुंदर लगता है और नेट का पूरा आपको नेकलाइन पे डिजाइन मिल जाएगा या शोल्डर पे भी आपको वर्क मिलने वाला है और स्लीव पे भी आपको बढ़िया सा पूरा ही मोर वाली डिटेल मिल जाती है ये देखिए बहुत सुंदर सा आपको स्लीवस पे वर्क मिलता है स्लीव्स और बैक तो बहुत प्यारा लगता है इस ब्लाउज का देख सकते हैं आप पिकॉक वाली डिजाइन मिल जाएगी और फ्रंट का जो डिटेल है वो कुछ ऐसा मिलने वाला है फ्रंट में ही आपको हुक वाली डिटेल मिल जाती है शोल्डर पे यहाँ पे भी आपको अगेन वर्क मिलेगा और स्लीव्स पे भी वर्क मिल जाता है बहुत सुंदर लग रहा है ये ब्लाउज इसमें भी अगेन कप्स लगे हुए आए थे लेकिन मैंने उन्हें रिमूव कर दिया और इसमें आई थिंक मैंने साइज है ना थर्टी एट पे किया था सो so, इसमें ना साइजिंग का थोड़ा सा इशू है आई डोंट नो कि सेलर ने कैसे डाल रखे हैं मैंने 38 साइज उसमें अवेलेबल था मैंने 38 38 साइज साइज पिक कर लिया था और ये 38 मुझे परफेक्टली फिट हो गया था सो so, इसमें अगर आपको 40 42 भी मिलता है ना तो आप बाय कर लीजिएगा हो सकता है वो साइज आपको फिट हो जाए आपके साइज के अकॉर्डिंग क्योंकि ये थर्टी सिक्स मुझे फिट होता है और थर्टी एट मुझे फिट हो गया था सो so, मैं इसके साइजिंग के लिए थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ क्वालिटी बहुत अच्छी लग रही है और आप बैग देख ही सकते हैं बड़ा ही सुंदर मिलने वाला है नेक्स्ट दिखाने से पहले आज मैं अपने गिव अवे का विनर अनाउंस करने वाली हूँ जिसका प्राइस था जोक का बैग एंड बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया एंड बहुत सारे एफर्ट्स भी लगाए सो गाइस आई टोटली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स बट विनर एक ही अनाउंस होने वाला है सो so जो भी विनर रहने वाला है और जो विनर नहीं रहते हैं इस गिव अवे में वो बिल्कुल भी डिसअपॉइंट ना हो मैं आज ही की वीडियो में एक और गिव अवे का प्राइज अनाउंस करने वाली हूँ सो बैक टू बैक आपको गिव अवे देखने को मिल जाएंगे मेरे चैनल पे, तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लो क्योंकि गिव अवे के प्राइजेस नहीं तो आप मिस कर देंगे एंड अब मैं विनर अनाउंस कर देती हूँ देखिये तीन पार्टिसिपेंट uh, थे जिनने बहुत ज्यादा अच्छे से और एफर्ट लगा के बहुत सारे लोगों को इनवाइट प्रियंका, so, uh, so प्रियंका, प्रियंका आप यह वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज मुझे इंस्टाग्राम पे अपने डिटेल्स वगैरह सबको सेंड कर दीजिएगा और अगर मैं आपका मैसेज नहीं देख पा रही हूँ तो प्लीज अपनी uh, इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा दीजिएगा वहां मुझे मेंशन कर दीजिएगा जिससे कि मैं आपकी स्टोरीज देख सकूँ और मुझे पता चल जाए कि हाँ ये आपका ही अकाउंट है सो so, ये था आज का गिव अवे का विनर गिव अवे का विनर तो मैंने अनाउंस कर ही दिया है अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट गिव अवे का प्राइस दिखा देती हूँ देखिए ये वाला कुर्ता सेट है जो वो मिलेगा आपको अब के गिव अवे के प्राइस के तौर पे जिसमें आपको पूरा थ्री पीस सेट मिलने वाला है एंड ये बड़ी ही सुंदर क्वालिटी में मुझे मिला था ये आपको ब्लैक चिकनकारी का पूरा ऐसा कुर्ता मिल जाएगा जिसपे आपको व्हाइट करी की पूरी एम्ब्रॉयडरी मिलेंगे एंड फुल हैवी आपको ये पूरा कुर्ता मिलने वाला है ये देखिए ये पूरा कुर्ता है ये बैक है जो पैंट मिलता है पैंट के एंड पे भी आपको एम्ब्रॉयडरी मिल जाएगी ये पूरा ही कुर्ता सेट आपको जॉर्जेट फैब्रिक में ही मिल जाएगा देखिए दुपट्टे पे भी आपको ये वर्क मिलने वाला है सो so, बहुत अच्छी क्वालिटी का होने वाला है ये कुर्ता सेट भी साइज इसका एम है तो 38 साइज तक के लिए परफेक्ट होने वाला है एंड इवन उससे ज्यादा भी थर्टी तक के लिए भी ये परफेक्ट हो जाएगा सो so, जिसे भी इस कुर्ता सेट के प्राइस को जीतना है तो उनको तीन रूल फॉलो करने हैं पहला रूल तो होने वाला है मेरे यूट्यूब चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है ये सबसे मेन रूल है देन सेकेंड वाला रूल हो जाता है कि आपको मेरे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना है ऐसा नहीं कि आप मेरा यूट्यूब चैनल ही सब्सक्राइब कर रहे हैं इंस्टाग्राम पर भी आपको मुझे फॉलो करना है एंड साथ में थर्ड रूल होता है जिसमें आपको इन्वाइट्स करवाना है अपने फ्रेंड्स और फैमिली को मेरे चैनल

अगेन मैं जॉर्ज फैब्रिक पे ही शेयर कर रही हूँ जिसमें आपको पूरा ही थ्रेड एम्ब्रॉयडरी और सीक्वेंस वर्क मिल जाएगा आप देख सकते कितना प्यारा शाइन कर रहा है वी नेक मिलेगा और उस पर आपको ये पोर्टली बटन लगे हुए मिल जाएंगे सो नेक डिटेलिंग बड़ी सुंदर से मिल जाएगी फ्रंट में ही आपको पूरा ऐसा डिटेल मिलता है बैक कुछ ऐसा मिल जाएगा बैक पे आपको है ना यहाँ पे दो डिटेलिंग मिल जाएगी साथ में यहाँ पे वो अटैच मिल रही है डोरी और लटकन भी है इसकी स्लीव भी अगेन थोड़ी सी पर्फी स्लीव पैटर्न में आपको मिल जाती है बैक से ये ब्लाउज ऐसा लगता है क्वालिटी इसकी मुझे ना ओके ओके लगी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है फैब्रिक अच्छा है लेकिन लाइनिंग थोड़ी सी ना ओके ओके है बहुत अच्छी नहीं है देख सकते हैं आप यहाँ से थोड़ा थोड़ा सा ना ऐसा फैब्रिक खिंचा भी रहा है सो so, इसकी लाइनिंग की क्वालिटी और जो इसमें पैड लगे हुए हैं वो भी मुझे पसंद नहीं आए थे तो so, मैं इस ब्लाउज को आपको रिकमेंड नहीं करूंगी इसी टाइप में जो मैंने ग्रीन ब्लाउज आप लोगों के साथ शेयर करना गाइस वो तो बहुत अच्छा है क्वालिटी भी टॉप नॉच है अगर आपको ऐसे वाले ब्लाउज पसंद है तो आप वो ग्रीन वाला ले सकते हैं ये मुझे इतना ज्यादा पसंद नहीं आया है अगेन एक वेलवेट ब्लाउज में आप लोगों के साथ शेयर करूँ जिससे मैंने मरून कलर में पिक किया है आप इसका फ्रंट डिटेल देख सकते हैं बहुत अच्छा ब्राइडल पूरा एकदम ब्लाउज आपको मिल जाएगा नेक पे आपको ये गोटा पट्टी का वर्क मिलेगा पूरे ही जो डिटेल है ना उस उसपे अच्छा खासा आपको वर्क मिलने वाला है ब्लाउज पे स्लीव्स आप देख सकते हैं स्लीव्स पे भी बढ़िया सा आपको वर्क मिल जाएगा दोनों स्लीव्स एंड ये है इसका बैक बैक पे ही आपको हुक डिटेलिंग मिलने वाली है साथ में आपको डोरी और ये बढ़िया से टेसर्स लगे हुए मिल जाएंगे इसमें भी अगेन कप एडेड थे बट मैंने कप्स को रिमूव कर दिया है बिकॉज मुझे उनकी फिटिंग अच्छी नहीं लग रही थी और ये जो फ्रंट का डिटेल है ना आप फ्रंट में देख सकते हैं जैसा नेकलाइन पे है ना वैसे ही आपको कुछ इस तरीके से इसमें फ्रंट मिलने वाला है इस वजह से मैंने इसे पिक किया था मैंने मरून कलर पिक किया है बट इसमें और भी कलर ऑप्शन अवेलेबल है सो अगर आपको कोई दूसरा कलर पसंद आ रहा है ना इस ब्लाउज में तो आप दूसरा कलर भी ट्राई कर सकते हैं क्वालिटी बहुत अच्छी है बस मुझे कप्स की क्वालिटी अच्छी नहीं थी लगी थी जिस वजह से मैंने उन्हें रिमूव कर दिया आप इन्हें डेफिनेटली बाय कर सकते अब एक ब्लैक ब्लाउज में आप लोगों को कलरफुल एम्ब्रॉयडरी में शेयर करने वाली हूँ आप इसका फ्रंट देखिए पूरे ही ब्लाउज पे आपको कलरफुल एम्ब्रॉयडरी मिल जाएगी जिसमें आपको जरी डिटेलिंग भी मिलने वाली है सो so, कॉन्ट्रास्ट करने के लिए बहुत अच्छा है ये ऑप्शन ये जो ब्लाउज का फेब्रिक है ना वो आपको सेटिन मिलेगा जिसमें शाइन भी है एंड बहुत अच्छा चिकना सा पूरा आपको फैब्रिक मिल जाता है फ्रंट में ही आपको हुक डिटेलिंग मिल जाएगी अब मैं आपको इसका बैग दिखाती हूँ देखिए गाइस बैग आपको कुछ ऐसा मिलने वाला है ये वाला जो फैब्रिक है ना ट्रांसपेरेंट वाला वो आपको ऑर्गेंजा पे मिल जाएगा और उसपे आपको बटन डिटेलिंग मिलती है बाकी आपको पूरे ब्लाउज पे ये कलरफुल एम्ब्रॉयडरी मिलने वाली है मैंने इसमें ब्लैक कलर पिक किया इसमें आपको और भी कलर ऑप्शन मिल जाएंगे इसके लिए मैंने आई थिंक थ्री हंड्रेड रुपीज पे किए थे क्वालिटी बहुत अच्छी है इन सिल्क में आपको क्योंकि ये ब्लाउज मिल जाएगा सो अगर आपको ये ब्लाउज पसंद आ रहा है तो आप डेफिनेटली इसे भी बाय कर सकते हैं इसमें मैंने थर्टी सिक्स साइज पिक किया था एंड ये मुझे परफेक्टली फिट आ गया था साइजेस इसमें भी अवेलेबल है आप अपने अकॉर्डिंग साइज में मूविंग टू द नेक्स्ट ब्लाउज ऑफ दिस हॉल एंड इसमें आपको पूरा ही हैंड प्रिंट मिल जाएगा देख सकते हैं आप पूरा लोटस वाला डिटेल मिलने वाला है एक साइड आपको पूरा ऐसा लोटस वाला डिटेल मिल जाएगा एंड स्लीव्स पे भी अगेन यही पैटर्न मिलने वाला है और साथ में ये जो वो कट दाना होता है ना वो पूरा आपको प्रिंट के साइड साइड में मिल जाता है बैक तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है आप इसका बैक देखिए पूरे ही बैक पे आपको हैंड प्रिंट के साथ कट दाना मिल जाएगा इसमें भी आपको कप्स इंक्लूड मिल जाते हैं कप्स की क्वालिटी अच्छी है मतलब ऐसे हार्ड वाले कप्स नहीं है कि जिनका शेप अजीब सा या वियर्ड सा लगे इसमें मैंने साइज 36 पिक किया था एंड ये मुझे परफेक्टली फिट हो गया था फ्रंट में ही आपको हुक डिटेलिंग मिलने वाली है एंड ये वाले ब्लाउज ना बहुत ज्यादा ही अच्छे लगते हैं पूरा पीछे से आप देख सकते हैं इसका पूरा इतना सा ही नेक रहेगा ज्यादा डीप या वो नहीं है सिंपल सोबर सा आपको नेकलाइन मिल जाएगी इसका पैटर्न बहुत अच्छा है बहुत डिफरेंट सा है नेक्स्ट nice मैं आप लोगों के साथ एक ग्रीन ब्लाउज शेयर करने वाली हूँ आप इसका नेक देखिए कुछ इस तरीके से वी नेक में आपको पूरी ये डिजाइन मिल जाएगी फ्रंट एंड बैक सिमिलर ही आपको वी नेक में मिल जाएगा और ये जो वी नेक बना हुआ है ना उसी पे आपको ये प्यारा सा वर्क मिलने वाला है स्लीव्स पे भी आपको एकदम ब्रॉड सा वर्क मिल जाएगा दोनों साइड आप देख सकते हैं स्लीव्स का वर्क भी बहुत अच्छा हैवी सा आपको मिल जाएगा और ये बैक है बैक पे आपको हुक डिटेलिंग मिल जाएगी डोरी मिल जाएगी टीसल मिल जाएंगे फ्रंट वी नेक के साथ आपको प्रिंसेस कट मिल जाएगा इसमें भी आपको कप्स इंक्लूडेड मिलते हैं कप्स की क्वालिटी अच्छी है लाइनिंग की क्वालिटी भी अच्छी है इसे अभी मैंने ऑलरेडी फिट नहीं करवाया है इसलिए मैं इसे स्टाइल नहीं कर पा रही हूँ अभी इसे मैं जब ऑल्टर करा लूंगी देन उसके बाद मैं इन्हें किसी ना किसी साड़ी के साथ जरूर स्टाइल करने वाली हूँ मूविंग टू द नेक्स्ट ब्लाउज ऑफ दिस हॉल एंड ये कुछ इस डिजाइन में हमें मिलने वाला है प्रिंसेस कट है एंड इसमें आपको कप्स लगे हुए मिल जाएंगे नेक पे भी आपको ये गोटापट्टी वाली डिटेल मिल जाती है पोफी स्लीव्स के साथ साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ब्रॉड सा आपको सीक्वेंस जरी का काम मिल जाएगा दोनों स्लीव्स कुछ इस तरीके से मिल जाएगी पॉफ स्लीव से एंड साथ में ये सीक्वेंस जरी का ब्रॉड सा पूरा वर्क मिल जाएगा फ्रंट ऐसा मिलने वाला है एंड बैक पे ही हमें हुक डिटेलिंग मिल जाती है बैक में भी हमें यहाँ पे गोटा पट्टी वाली डिटेल लगी हुई मिल जाएगी इसमें भी मैंने थर्टी सिक्स साइज पैक किया था एंड में जो ये डोरी मिलती है ना उसके साथ आप टेसल्स देख सकते हैं पूरे ही आपको बड़े सुंदर से थ्री लेयर में टेसल्स मिलने वाले हैं इसी डिजाइन में मैंने टोटल थ्री कलर पिक किए हैं देखिए ये मैंने आप लोगों के साथ जो शेयर किया है ये मजेंटा पिंक कलर है इसी में मैंने मरून कलर एंड गोल्डन कलर भी पिक किया है वो भी मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी क्वालिटी बहुत अच्छी है थर्टी सिक्स साइज मुझे लूज है दैट मीन मुझे इसे फिट करवाना पड़ेगा आप अपने अकॉर्डिंग इसमें साइज पिक कर सकते हैं क्वालिटी पिंक कलर में मैंने ये मरून वाला ब्लाउज में पिक किया था सेम डिटेल मिलेगी प्रिंसेस कट मिलेगा एंड यही पफ स्लीव के साथ आपको हैवी सीक्वेंस का बॉर्डर मिल जाएगा स्लीव पे बैक में हुक डिटेलिंग मिल जाती है सिमिलर वैसा ही है और ये मैंने गोल्डन कलर में पिक किया देखिए ऐसा वाला गोल्डन कलर है ना होना ही चाहिए हर किसी के पास क्योंकि बहुत सारी साड़ीज होती है जो इस तरीके से सटल गोल्डन कलर के साथ बहुत अच्छी लगती है सो मैंने ये वाला गोल्डन कलर इसमें पिक कर लिया प्रिंसेस कट है आप देख सकते हैं और इसमें भी पफ स्लीव के साथ सीक्वेंस और जरी का बॉर्डर मिल जाएगा दोनों ही साइड एंड आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पिंक कलर है और मरून कलर है उससे ज्यादा ये गोल्डन कलर बहुत अच्छा लग रहा है इस डिजाइन पे बैक में आपको हुक डिटेलिंग मिल जाएगी और साथ में ये बड़े प्यारे से थ्री लेयर्स के टेसर्स भी लगे हुए मिल जाएंगे पे आप वर्क देख सकते हैं वर्क के साथ आपको मिलने वाले हैं. क्वालिटी बहुत अच्छी है इन तीनों ब्लाउजेस के तीनों में मैंने अपने साइज 36 पिक किया था इन तीनों अभी मुझे ऑल्टर कराना है अभी मैंने ऑल्टर नहीं करवाया इसलिए मैंने अभी तक इन्हें पहना नहीं है कॉज मेरे पास इतना टाइम नहीं हो पाता यार मैं भूल ही जाती हूँ मेनली ना मैं भूल जाती हूँ एक साइड में और फिर जब भी मुझे साड़ी स्टाइल करनी होती है ना सामने जो ब्लाउजेस दिखते हैं उन्हें ही स्टाइल कर लेती मूविंग द नेक्स्ट ब्लाउज ऑफ दिस हॉल ये तो आपको बहुत ज्यादा हैवी एकदम पार्टीवेयर ब्लाउज मिलने वाला है इसे आप अगर चाहे तो अभी नवरात्र के टाइम भी स्टाइल कर सकते हैं लहंगा के साथ बहुत अच्छा लगने है। पूरा ही आपको सब जाएगा डार्क पिंक लाइट पिंक बेबी पिंक मजेंटा पिंक ये सारे ही कलर्स आपको मिल जाएंगे इसके अंदर ये पूरा स्लीव है एंड बैक का डिटेल आप देखिए बैक पे आपको हुक डिटेलिंग मिलेगी और यहाँ पे डोरी बांधने का मिल जाता है इसमें आपको लटकन भी मिल जाएगी बहुत ज्यादा सीक्वेंस लगे हुए हैं इसलिए बहुत ज्यादा शाइन करता है आप इसे अभी नवरात्रि में लहंगा के साथ वेयर कर सकते हैं साड़ी के साथ भी अच्छा लगेगा अगर आपके पास प्लेन बेबी पिंक कलर की साड़ी है ना आप उसके साथ इस ब्लाउज को पहन लीजिएगा साड़ी एकदम डिजाइनर लगने वाली है इसमें आपको सारे ही पिंक टोन मिल जाएंगे मैं इस ब्लाउज को हाईली रिकमेंड करूंगी इसमें भी आपको बहुत सारे कलर ऑप्शंस मिल जाएंगे आप दूसरा कलर भी ट्राई कर सकते हैं अगेन मैंने इसकी फिटिंग नहीं कराई है इसलिए मैं नहीं पहनती हूँ इन्हें Uh, मेरे पास ब्लाउज़ेस बहुत सारे हैं देखिए ना बहुत सारे लोग हैं ना मेरे क्रॉप टॉप पे बहुत कमेंट करते हैं कि आप यही वाला क्रॉप टॉप पहनते बस देखिए ब्लाउज तो बहुत सारे हैं मेरे पास लेकिन मैं ऑल्टर नहीं करवा पा रही हूँ मेन चीज ये चलिए ये अगर आपको ये ब्लाउज पसंद आ रहा है तो आप डेफिनेटली इसे बाय कर सकते हैं इसमें आपको बहुत सारे कलर ऑप्शंस मिल जाएंगे सभी के लिंक मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में आप ऑल ब्लाउज लिंक पे क्लिक करिएगा जिससे कि आपको सारे एक साथ दिख जाएंगे सो आपको डिफिकल्टी नहीं होगी एक एक ब्लाउज सर्च करने में लास्ट बट नॉट दीज में आप लोगों के साथ एक जिम्मीजू ब्लाउज शेयर करने वाले हूँ ये हमें कुछ इस डिटेल में मिल जाता है फ्रंट का पूरा लुक हमें ऐसा मिलने वाला है जिसमें व्हाइट थ्रेड एम्ब्रॉयडरी सीक्वेंस और जरी का काम मिल जाएगा पफ पॉफसी मिल जाएगी और जो स्लीव्स है इसके बॉर्डर पे भी वर्क मिल जाता है बैक में हुक डिटेलिंग मिलने वाली है इसका जो फैब्रिक है ना लाइनिंग का वो ओके ओके हो और कप्स तो माय गॉड बहुत बकवास है। बिल्कुल भी अच्छे नहीं है मतलब कोई काम के नहीं है ये कप्स तो इजीली इन्हें रिमूव करना ही अच्छा रहेगा और क्वालिटी बहुत अच्छी है देखिए जिम्मी जो फैब्रिक मतलब शाइनी फैब्रिक है सिल्क की है वैसे ही आपको ब्लाउज का फैब्रिक बहुत अच्छा मिलता है लेकिन इसका लाइनिंग और जो कप्स यूज किए गए हैं उनकी क्वालिटी मुझे अच्छी नहीं लग रही है इसका लिंक भी अगर मुझे मिल जाएगा ना तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी